यूपी में 3 महीने बाद फिर आई बिजली पे संकट। बिजली कर्मियों के द्वारा 72 घंटों के लिए स्ट्राइक करने का दिया गया अल्टीमेटम। बिजली कर्मियों ने स्ट्राइक से पहले हाथों में मशाल लेकर किया प्रदर्शन। 16 तारीख की रात 10 बजे से 72 घंटों के लिए बिजली कर्मी करेंगे कार्य का बहिष्कार। 3 महीने पहले बिजली कर्मियों के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया था 6 दिनों के लिए स्ट्राइक। स्ट्राइक के दौरान अंधेरे में डूब गया था जिला। बिजली पानी के लिए मच गया था हाहाकार। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज से 3 महीने पहले बिजली कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अचानक से स्ट्राइक कर दिया गया था, जिस दौरान किस तरह से आप बिजली के लिए कई दिनों तक परेशान थे। आप लोगों का मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था, आपका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, आपका पूरा गाँव पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था, लेकिन कहीं से भी बिजली के आने की संभावना नहीं जग रही थी। उस दौरान 6 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मियों के बीच एक समझौता हुआ था कि बिजली कर्मियों की मांगे 15 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा, जो आज 3 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर फिर से बिजली कर्मियों के द्वारा 72 घंटे के लिए स्ट्राइक किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। बिजली कर्मियों के द्वारा बताया गया है कि 16 तारीख की रात 10 बजे के बाद वह 72 घंटों के लिए कार्य का बहिष्कार करके हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कुछ भी हो जाए वह बिजली का कार्य नहीं करेंगे। तो आप लोग सतर्क हो जाइए और बिजली से संबंधित सारे काम पूरे कर लीजिए, क्योंकि 16 तारीख की रात 10 बजे के बाद बिजली आपके गांव में आपके शहर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 महीने पहले जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या एकदम से उत्पन्न हुई थी, सारे बिजली कर्मी स्ट्राइक पे चले गए थे और पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी, वही आज वही आलम देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो श्रावस्ती का ये नजारा है, जो श्रावस्ती के जो लोग हैं, जो यहाँ के बिजली कर्मी हैं, वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज इनका एक मशाल का प्रदर्शन है। हमारे साथ सहायक अभियंता है, इनसे हम जानते हैं कि जो इनका स्ट्राइक है 3 दिनों का 72 घंटे का, वो क्या है, वो कैसा स्ट्राइक है और जो आज ये मशाल प्रदर्शन करने वाले हैं वो क्या है। तो सहायक अभियंता जी, आपका नाम क्या है पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम आशीष है और मैं यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति में एज अ संयोजक मेरा रोल है यहाँ पे। और जो आज हमारा मशाल जुलूस का प्रोग्राम है और कल सुबह 10 बजे से हमारा कार बहिष्कार रहेगा। परसों 16 तारीख रात 10 बजे से हमारा हड़ताल हमारी शुरू हो जाएगी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। अच्छा, 3 महीने पहले भी आप लोगों के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती का कुछ क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पे 6-7 दिनों तक लाइट नहीं रही है, लोग काफी परेशान हुए हैं, तो फिर से वही चीजें सामने आने वाली है। 3 दिनों का स्ट्राइक आप लोगों का है, आज जो मशाल प्रदर्शन है और जो 3 दिनों का स्ट्राइक है उसका भी समय नहीं निर्धारित है कि 3 दिन तक रहेगा कि वो 30 दिन तक रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जैसे कहा है अभी बाइट में कहा है कि जो ऊपर से दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, तो अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो वो स्ट्राइक आगे बढ़ेगा आपके हिसाब से। तो वैसे में जो लोग हैं, जो यहाँ के उपभोक्ता हैं, वो क्या करेंगे, जो समस्याएं उनको होने वाली है। जी, अब इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे प्रबंधन की बनती है कि ऐसे केसेस में कि वो उपभोक्ता को निर्बाध बिजली मुहैया कराए, ऐसे केसेस में जिसमें हम लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से हमारे प्रबंधन की बनती है। तो प्रबंधन के पास इतना तो स्टाफ है नहीं कि वो जो बिजली व्यवस्था है वो उसको सुचारू रूप से चला पाए। ये प्रबंधन, यही उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें कैसे मैनेज करना है ये उनका रोल। जब आप लोग स्ट्राइक पे गए थे तो उस समय भी क्योंकि पूरी ताकत झोंक दिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस व्यवस्था भी वहाँ की गई थी, काफी सारे टीमों को बाहर से हायर किया गया था, जिले में लाया गया था, लेकिन फिर भी बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई थी, तो इस बार भी वही होने वाला है। इस बार हम अगर प्रबंधन नाकाम रहेगा तो जाहिर सी बात है इस बार भी वही प्रॉब्लम, वही सारी चीजें क्रिएट होंगी। अच्छा, जो अभी हमने कहा है वो सत्य है ना कि 3 दिनों का स्ट्राइक आप लोगों का है, उसके बाद भी वो स्ट्राइक कितने दिनों तक चलेगा उसका कोई क्लियर नहीं है। वो अभी जैसा मैंने बताया कि आज मशाल जुलूस है, कल से सुबह 10 बजे से हमारा कार बहिष्कार है और परसों रात 10 बजे से अनिश्चितकालीन तक का हड़ताल रहेगा। जब तक इस बिंदुओं पर समझौता नहीं हो जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, 3 महीने पहले जो हुआ था आप लोगों का स्ट्राइक, उस दौरान शासन स्तर पे मंत्री के द्वारा आप लोग के आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में वो सारी जो मांगे आपकी है वो पूरी कर दी जाएगी, तो क्या हुआ, मतलब अभी 3 महीने लगभग बीत रहा है तो उसमें कुछ मांगे पूरी हुई नहीं हुई अभी तक? जी, इसमें अभी मांगे पूरी नहीं हुई है,
उसी कारण जो है हमें ये चीज दोबारा करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा, जिले में क्या अधिकारियों को आप लोगों ने सूचना दिया, उनको सूचित किया कि आप लोग इस तरह से अनिश्चितकालीन या जो भी आपका स्ट्राइक है 3 दिनों का वो करने जा रहे हैं? जी जी, ये सूचना जो है हम लोगों ने भी दी है और ऊपर से भी सूचनाएं प्रदान की गई है कि ये हड़ताल की जा रही है और ये कब तक चलेगी, क्या है इसका, सारी चीजें ऑलरेडी इन्फॉर्म है। तो आप लोगों ने सुना, सहायक अभियंता हमारे साथ थे श्रावस्ती जिले के, और इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिजली जिस हिसाब से सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया है, कभी भी बोल सकते हैं कि कल के बाद जिस तरह से इनका प्रदर्शन का और जो स्ट्राइक का जो एक सिस्टम बनाए हैं ये लोग कि ये 3 दिनों के लिए स्ट्राइक पे जाएंगे, अभी इनका जो मशाल प्रदर्शन है वो अभी निकलने वाला है यहाँ से, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए आप लोग और इतना व्यवस्था कर लीजिए कि जब तक बिजली ना आए तब तक के लिए कम से कम पानी की व्यवस्था तो आप लोग कर ही लीजिए।